कोई बात नहीं, इज्जत तो रख ली लोगों ने। चारे बच्चे छोटे छोटे ना, बहुत उम्मीद से मैंने पता हरा भी हरा क्यों डाला है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या पी रहा हूँ। तो ये व्हाइट व्हाइट लस्सी सा क्या है? अबे साले व्हाइट व्हाइट, ये नहीं पीऊंगा मैं। अनजाने राहों में साथ रहे मेरे तू। फिलहाल आटा वाटा सानते हैं, उसके बाद जल्दी से निकलेंगे ऑफिस। पूछा किसी ने? बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं और तू बस। कभी कभार हम इतने टाइम पे आ जाते हैं ना, दरवाजा खुद खोलना पड़ता है। चाहे हमारे भैया, हमारे किशन भैया हमारे लिए पानी वानी पहले से ले आते हैं, चाय भी बस 2 सेकंड में बैठूंगा भी नहीं, उससे पहले चाय आ जाएगी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी थोड़ा ज्यादा हो गया यार। देखते देखते ही बहुत बढ़िया बना दिया हमने, मास्टर पीस ही बना दिया हम लोगों ने। आज आप लोग को दिखाई देते हैं हमारा बिरयानी स्पॉट कहाँ पे है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सही चीज खिला रहा है कि नहीं पता चला, कुछ ऐसा वैसा खिला रहा हो ऐसा बिरयानी के बाद में ये। और हम लोग बिरयानी खाते हैं उधर से, छोटा सा ही है मगर बहुत टेस्टी रहता है। नई नहीं, घास की पैडिंग भी है, उसकी फोटो ले रहे हैं हम लोग। बउवा बड़ी हो रही है, घर में दारू वारू नहीं आना चाहिए, बोतल भी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं कभी नहीं। अब वो तब आता था जब हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती थी, जो वो पार्किंग वाले को देते थे आप एफओस कैंटीन से लाके, वो तो काम निकालने के लिए करना ही पड़ता था। और जब हम लोग वहाँ पे रहते थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये सब कुछ नहीं था, तो हम लोग तार खिंचवाते थे, तो उसके लिए देते थे। बाहर पढ़ने कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बाहर ही रह रहे हैं। उन लोगों को चांस था ना कि आप लोग यहाँ थे वहाँ थे। चलो 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 चलो, ज्यादा नहीं रोते, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं रोते। तो भाई अपनी महारानी लेके निकले हम, आइए देखना। चलिए, मैं बहुत देर से हेलमेट लगा रहा हूं, शगुन सीख गई है हेलमेट लगाना। और बहुत दिनों बाद फिर महारानी को चलाने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं हेलमेट लगाते ना, कान में खुली होना शुरू होता है, समझ नहीं मैं कैसे करूं। ईयर रिंग लगा के तो पहन नहीं सकती, लड़कियों के लिए हेलमेट सही नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ गुरु जाएंगे शिष्य वगैरह तो जाएंगे, अब जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ देंगे। चारे बच्चे छोटे छोटे ना आ जाते हैं ना, तो रहा नहीं जाता है, तो गए हैं ब्रेड खरीदने, ब्रेड खरीद के बांटेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि पीछे पीछे आ रहा है, कुछ खाने पीने के लिए ना दो इनको ना। डॉग्स और ऐसे जानवर से ना बहुत प्यार है सबके, सब एक ही उम्र के एक जैसे लग रहे, लगता है कि ये सारे ना एक बार ही इनका बर्थ हुआ है, सब एक जैसे लग रहे है। इधर भी है आ रहे, यहीं पे दे दो ना। यहाँ पे नहीं यार, दुकान के सामने किसी के अच्छे नहीं होता। आओ समीर, और अंधेरे में चले जाओ, कैंडल लाइट डिनर करा रहे हैं लोग को। और भी है, सब जमा करेंगे ना पहले। कोई जो कुछ कहे कहने दो, नहीं चाह रही दिल में है। ऐसे ही मालूम है, बचपन में खिला रहा था और उसने रोटी तो खाई नहीं, मेरा हाथ खा लिया। ये मत समझे कि सिंपति के लिए हम लोग कर रहे नहीं, ये कहीं पे भी हमें दिखते हैं, ये छोटे के घर में भी है ना, तो हमें बहुत प्यारे हैं। मेरी नजरों से तुम कितना जादू भरा, तुम समझो ये तुम सी। जा रहे हैं, चले बाय बाय। बाय बाय बाय, सब ऐसे लगते ना कि सब भाई बहन एक ही बार पैदा हुए हैं। हाँ, तो सारे भाई बहन ही है, एक ही उम्र के लग रहे हैं। वो बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे से, कह रहे हैं हायाबुसा खड़ी है हायाबुसा। अच्छा, इसको देखे, कोई बात नहीं, इज्जत तो रख ली लोगों ने। तो पहले आप आ रहे थे और आपको आपको लेट कैसे हो गया? लिफ्ट नहीं मिली? नहीं नहीं, लिफ्ट लेके क्या, मेरी बाइक जहाँ पार्क होती है वहाँ पे किसी और ने पार्क किया हुआ है आज मेरी। ओ बस देवी, बस 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 बस, मैंने शगुन को वही बोला, मैं खींच के हटा दूं क्या यार, जिसको जो अलॉट है वहाँ पे लगाना चाहिए। भैया, अंडा लाने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है उसका कुछ बनाना, तो हम बना रहे हैं आज डैडी के लिए और अपने लिए थोड़ा सा अपने लिए अंडे का भुजिया। पहले मिर्च डाल दिया, पहले तो तेल डाला, फिर मिर्च डाला, फिर प्याज डाला। अब इसके आगे का प्रोसेस आप मत समझिएगा क्योंकि मुझे भी समझाने नहीं आएगा,
नमक डालूंगा, थोड़ा सा हल्दी डालूंगा, थोड़ा सा मिर्च डालूंगा, थोड़ा सा सब कुछ डालूंगा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालूंगा, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। मतलब गरम मसाला भी, जो भी मसाले होंगे, जो जो सामने दिखेंगे सारे डल जाएंगे अब इसमें। बस उसके बाद भुजिया बन जाएगा, मतलब अंडे की भुर्जी। एक्चुअली अंडा ला के बनाने का, ये तो चिपक गया डैडी, अंडा चिपक गया इसी में, वो फूट गया, मैं तो टूट गया। हाँ तो जी भैया, बन गया अपना भुर्जी और यहाँ चढ़ के शेडो के अंडे उबलने के लिए। 12:30 बजने जा रहे हैं और मैडम भेज रही है बैटरी लाने के लिए, वो भी किस लिए, क्योंकि एसी चलाना है उसको। सबसे ज्यादा डर मुझे सिर्फ कुत्तों का है, इतनी रात में साले कुत्ते पीछे पड़ेंगे जरूर। चलो अच्छा था 24/7 खुला था, अपना चीज भी मिल गया, अब चलते हैं घर। ये अच्छा था कुत्ते सुधरे हुए हैं, किसी ने पकड़ा नहीं, कुछ किया नहीं। ये देख लो मैडम को आराम से सोना और हम बैटरी लेके घूम रहे हैं, क्या किया जाए। रात के 12:30 बजे मैं बैटरी लेने गया हूँ।